चर्चा करिए, किस विषय को लेकर यहाँ पर आप आए थे और क्या चर्चा करिए? आज शहर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर अधीक्षण यंत्री माननीय नेगी साहब से मिलने आया है, क्योंकि देवास में बिजली की कटौती बहुत अंधाधुंध हो रही है। ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर घर घर में लगे हैं, वो बीमारों की व्यवस्था करने के लिए हमने निवेदन किया है कि बिजली नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कटौती के नाम पर जो अंधाधुंध जिस तरह से बिजली बंद हो रही है, आज नेगी साहब ने आश्वस्त किया है कि अधिकांश फीडर उनके सुधर चुके हैं और आइंदा इस तरह की कटौती नहीं होगी, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो प्रतिष्ठान बंद हैं, जो स्कूल बंद हैं या अन्य दुकानें बंद हैं, उनके बिल भी दिए जा रहे हैं। कांग्रेस कमेटी ने मांग की है कि मार्च अप्रैल मई 3 महीनों के बिजली के बिल माफ होना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन के कारण और कोविड के कारण जो परिस्थितियां बनी हैं वो किसी से छिपी हुई नहीं है। आर्थिक परिस्थितियां इस तरह जीर्ण शीर्ण हो चुकी है हर परिवार की कि वो अपने घर के किसी मरीज का इलाज भी नहीं करवा पा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस कमेटी ने मांग की है कि 3 महीनों के बिजली के बिल संपूर्ण सभी के माफ होना चाहिए, क्योंकि अभी पैसा है ही नहीं किसी के पास, न तो सरकार की कोई सहायता मिल रही है, न कुछ हो रहा है, दुकानें बंद है और बिजली के बिल आ रहे हैं, दुकानदार कहाँ से भरेगा? आम आदमी जिसकी नौकरी छूट गई है, कारखाने बंद हैं, जीवन यापन कर नहीं पा रहा है, ऐसे में भी अगर सरकार मदद नहीं करेगी, मैं शिवराज सिंह जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि संपूर्ण मध्यप्रदेश वासियों के बिजली के बिल माफ होना चाहिए, साथ ही जो मार्च के पहले के बकाया है उन सारी वसूली को स्थगित या निरस्त करना चाहिए जनहित के मामले में। ये सरकार चूंकि जनहितेशी अपने आप को बोलती है, मैं कांग्रेस कमेटी की ओर से मांग करता हूं कि जनता की सबसे तीव्र मांग यही है आज की परिस्थितियों में कि बिजली के बिल माफ होना चाहिए। आज हमने ज्ञापन दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर वास्तव में जनता के हित की सरकार होगी तो ऐसे उचित निर्णय जरूर लेगी। भैया कहीं ना कहीं भी अधिकारी साहब चर्चा करते हैं, ये भी कहा कि अगर हमारी सरकार होती तो आप 3 महीने के बिल भी पूरे पूरे माफ करा। देखिए, आप जानते हैं अच्छे तरीके से देवास शहर कांग्रेस कमेटी ने हमेशा जनता के हित में पहले जब सरकार थी तब काम किए हैं। किसानों का मामला था, 2 करोड़ रुपए व्यापारी लेके भगा था, तो मध्य प्रदेश में पहला ऐसा देवास जिला था जहां पर 2 करोड़ रुपए सरकार ने दिए थे, आप सब गवाह उस बात के। जनता के हित में काम करना जनप्रतिनिधि का दायित्व बनता है। मैंने इसलिए कहा कि मेरी सरकार होती तो मैं निश्चित रूप से उस तरीके से बात करता, मैं अधिकारियों को आके खुद घेराव भी करता। आज घेराव करने का मतलब कुछ होता, क्योंकि निकम में अधिकारी ऊपर बैठे हैं, यहाँ के अगर काम भी कर ले, प्रशासन ऊपर बैठा है, नेता ऊपर बैठे हैं, वो कुछ करने वाले नहीं है। हम जानते हैं हमारी सरकार होती कांग्रेस कमेटी की तो इस तरीके के निर्णय माननीय कमलनाथ जी निश्चित रूप से लेते, जनता के हित में निर्णय लेते। आज जो मारामारी का माहौल है आप देख रहे हैं, शिवराज सिंह जी की लेट लाती की वजह से क्या हालात हो गए मध्यप्रदेश में, लाशों का अंबार लग चुका है, न शमशान में जगह है, न अस्पताल में जगह है, न ब्लैक फंगल्स के इंजेक्शन मिल रहे हैं, न रेमडेसिविर मिल रहा है, न डॉक्टरों की जो आपाधापी चल रही है बिल ज्यादा आ रहे हैं, कौन सा कंट्रोल है? आयुष्मान योजना के लिए बड़े बड़े अस्पताल भोपाल ने भगा दिया डॉक्टरों को, वीडियो चल रहा है, क्या कार्रवाई की शिवराज सिंह जी ने? कांग्रेस की सरकार होती तो शायद किसी अस्पताल वाले की इतनी औकात भी नहीं थी कोई बात कर सकता सरकार के खिलाफ। आम जनता का इलाज निश्चित रूप से होता और कमलनाथ जी ने कहा था कि